नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हथेली में गुरु पर्वत के संबंध में। गुरु पर्वत हथेली में होती कहाँ है? तो सर्वप्रथम देखें, ये हमारी है इंडेक्स फिंगर, जिसे तर्जनी उंगली भी कहते हैं। इसके नीचे का भाग, इतना भाग जहाँ तक मैं घेर पा रहा हूँ, ये गुरु का क्षेत्र होता है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर ये गुरु का क्षेत्र होता है। इस गुरु पर्वत पर कई प्रकार की रेखाएं या चिन्ह पाए जाते हैं। कुछ चिन्ह के काफ़ी शुभ प्रभाव होते हैं और कुछ चिन्ह के अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो आइए हम इन्हीं चिन्हों के विषय में बात करेंगे। पहला आता है सबसे पहले एक सिंगल रेखा। यदि आपके गुरु पर्वत पर केवल एक सिंगल रेखा इस प्रकार से बनती हुई, केवल एक, ये सिंगल रेखा का अर्थ है कि ये रेखा ना ही आपके मस्तिष्क रेखा को टच करे, ना ही लाइफ लाइन को टच करे और ना ही आपकी हृदय रेखा को, ये कहीं टच ना करे, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बनता हो, तो सामुद्रिक शास्त्र इसे बहुत ही अनुकूल मानता है। कहने का अर्थ है कि इसे शुभ माना जाता है। ये शुभ किस अवस्था माना जाता है? इसे सफलता से जोड़कर देखते हैं कि ऐसे जो रेखा है जातक को अच्छी सफलता देता है कैसे कार्यों में। अब ये गुरु पर्वत पर है तो गुरु से संबंधित कार्य। अब गुरु पर्वत के कार्य क्या क्या होते हैं? गुरु का अर्थ होता है समाज को मार्गदर्शन देने वाला, लोगों को राह दिखलाने वाला, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, समाज में पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला व्यक्ति, मान सम्मान पाने वाला व्यक्ति। तो ये सभी चीज़ें गुरु को दिखलाती है। तो अब जो हो गया कि ये गुरु जो है ये सफलता ऐसे प्राप्त करेंगे कि इन सब चीज़ों की बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे इनको समाज में अच्छी मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होंगे, लोग इसे अच्छी दृष्टि से देखेंगे, समाज में मार्गदर्शक और पथदर्शक की दृष्टि से देखे जाएंगे। ये उच्च सफलता देने वाली रेखा मिलती है। ये जिस भी क्षेत्र में वर्क करें वहाँ इन्हें वो, मान लिया जाए ये नौकरी करते हैं, यहाँ एक उच्च सफलता मिलेगी और अच्छे पद को ये प्राप्त करेंगे। मान लिया जाए ऐसे जातक एक अच्छे व्यवसायी हैं तो यहाँ व्यवसाय के क्षेत्र में ये अच्छी और उच्च सफलता प्राप्त करेंगे और इनको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। इस प्रकार से इसे जोड़कर देखा जाता है। अब आइए, कभी कभी देखते हैं कि ये रेखा सिंगल ना हो कि ये डबल होती है, दो रेखाएँ यहाँ पर है। मैं उस रेखा की बात कर रहा हूँ जो इस नीचे की रेखाओं को टच नहीं करती है, ये डबल रेखाएँ। तब दो रेखाएँ देखिए, दो रेखाएँ दो है गुरु पर है तो ये इसके प्रभाव तो शुभ मिलेंगे, ये तो तय है कि इसके जो प्रभाव मिलेंगे ये शुभ मिलेंगे। लेकिन इसके जो आपको सफलता की जो कहते हैं सफलता की रेखा है, तो ये सफलता जो मिलेगी अब इसमें विलम्ब होगा, क्योंकि यहाँ दो रेखाओं को होना ये कहता है कि ऐसे जातक की जो इच्छाएँ होती है या वर्क करने की जो क्षमता होती है ये दो भागों में बढ़ती है, दो भागों में बढ़ जाती है, जिसके कारण ये हमेशा जो है एक चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इन्हें सफलता तो प्राप्त होगी लेकिन उस सफलता में अब विलंब होगी या फिर कई भागों में बटने या कई रेखाएं यहाँ पर हो जाती है, कभी कभी तीन चार पाँच, तो कई भागों में बटने से क्या होता है किसी एक जगह पर ये अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाते और इन्हें सफलता मिलते मिलते रह जाती है। इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए ये सिंगल रेखा आपके हथेली में है तो ये उच्च सफलता की स्थिति को दिखला रहा है, लेकिन यहीं पर अगर ये हृदय रेखा यहाँ से आती है और इसे इस प्रकार से काट कर देती है तो कुछ लोग ये मान बैठते हैं कि ये गुरु पर्वत पे क्रॉस का चिन्ह ये अति शुभ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गुरु पर्वत पर जो जिस क्रॉस के विषय में बताया जाता है कि गुरु पर्वत पे क्रॉस अति शुभ होता है, यह वह क्रॉस नहीं है, चूँकि ये हृदय रेखा पर बन रहा है। अब हृदय रेखा को कटना तो एक तरह से ये अजातक के प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं ये प्रेम संबंध में त्रुटियों को दिखलाता है या फिर किसी से प्रेम संबंध में बाधा उत्पन्न करता है या ऐसे लोग अपने प्रेम संबंध बनाने में सफल नहीं होते, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। तो हृदय रेखा का इस प्रकार से रेखाओं से कटना ये शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे जातक को प्रेम के क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है, ऐसे जातक को प्रेम के क्षेत्र में असफलता मिलती है। अब लोग जो क्रॉस मान के बैठते हैं उस क्रॉस के विषय में कहा जाता है कि ये क्रॉस बिल्कुल इस प्रकार से होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, ना ही उसे कोई रेखा हृदय रेखा कोई टच करे, ना ही ये रेखा आके मस्तिष्क रेखा पे टच करे, तो ये क्रॉस जो है सबसे अधिक शुभ फल देने वाला गुरु पे होता है। ऐसा क्रॉस कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन ऐसे जातक का बहुत ही अच्छा होता है, इन्हें अच्छी पत्नी या पति प्राप्त होते हैं और इनका वैवाहिक जीवन वैवाहिक सुख और सामाजिक
प्रतिष्ठा, ये तीन चीज़ें मूल रूप से ऐसे जातक को प्राप्त होती है। इन चीज़ों में बढ़ोतरी कब हो जाती है, जब इस क्रॉस के साथ साथ आपकी भाग्य रेखा यदि चंद्र से निकलती हो और शनि पे पहुंचती हो तो इसका जो फल होता है ये सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। ऐसी ये क्रॉस होना और साथ में चंद्र से निकली हुई भाग्य रेखा होना, इसके सर्वोत्तम फल जो है सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए हैं। अब आइए कि गुरु पे जो कुछ और रेखाएं होती है, जैसे यहाँ से निकलती है, देख लीजिए यहाँ से आपकी मस्तिष्क रेखा से निकलती है इस प्रकार से, तो इस रेखा को कहते हैं हम उच्च महत्वाकांक्षा की रेखा या उच्च अभिलाषा की रेखा, उच्च इच्छा की रेखा। मतलब ऐसे जातक की जो महत्वाकांक्षा और इच्छा होती है बहुत अधिक बढ़ी चढ़ी होती है और इसमें ये सफलता भी प्राप्त करते हैं। कितनी सफलता प्राप्त करेंगे ये निर्भर करेगा अब गुरु पर्वत की स्थिति पर। अगर यदि गुरु पर्वत शुभ अवस्था में है तो इन्हें सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। हाँ, संघर्ष प्रारंभ में ऐसे जातक को अवश्य होता है लेकिन सफलता भी इन्हें प्राप्त होती है। गुरु पर्वत शुभ है तो सफलता अच्छी प्राप्त होगी, लेकिन यदि पर्वत की स्थिति अच्छी नहीं है तो इन्हें सफलता भी विलंब से प्राप्त होती है या फिर इसके बहुत कम शुभ प्रभाव इन्हें प्राप्त होते हैं। अब होता है कभी कभी ये इस प्रकार से ये रेखा जा रही है और कोई रेखा इसे काट रही है तो लोग इसे क्रॉस मान बैठते हैं कि ये गुरु पे क्रॉस है। देखिए, जबकि वास्तविकता है कि इस ऐसे चिन्ह को हम गुरु पे क्रॉस नहीं मानेंगे, इसे ये माना जाएगा कि आपकी जो ये उच्च महत्वाकांक्षा की रेखा थी, जो आपकी आंतरिक इच्छाएं और उच्च महत्वाकांक्षा स्वाभिमान को दिखला रही थी, अब ये इसमें कटने का अर्थ हो जाता है। ये कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूर्ति में अब बाधा उत्पन्न होने वाली है। आपकी उच्च महत्वाकांक्षा जो आप चाह रहे थे जीवन में, बहुत हर प्रत्येक लोगों की अलग अलग तरह की इच्छा होती है, लेकिन गुरु पर जाने वाली इच्छा जो होती है ये उच्च कहलाती है। चूँकि गुरु हमेशा जो है शुभ कार्य से जोड़ के देखा जाता है, गुरु को मार्गदर्शक के रूप में, पथ दर्शक के रूप में, पद प्रतिष्ठा के रूप में, तो अब जो आप बड़ा सोच रहे थे किसी क्षेत्र में उसमें कहीं ना कहीं यह बाधा उत्पन्न करेगा यदि इस प्रकार का चिन्ह बनता है। अब देखिए गुरु पे कभी कभी हम देखते हैं कि वर्ग का चिन्ह बनता है, इसके विषय में बहुत लोग बात करते हैं कि स्क्वायर का चिन्ह बनता है यदि यह स्वतंत्र रूप से बन रहा हो या कभी कभी ऐसी इस प्रकार की रेखाओं से बनता हो। वर्ग का चिन्ह बनना, स्क्वायर का चिन्ह बनना गुरु पे ऑलवेज शुभ माना जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि यदि आपके गुरु पर्वत पर स्क्वायर का चिन्ह बनता है तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, तो एक तो देखिए कि ऐसे जातक का जो सामाजिक संपर्क का दायरा होता है बहुत अच्छा होता है, लोगों के साथ संपर्क, ऐसे लोग राजनीति में भी विशेष सफल देखे जाते हैं। लोगों का सहयोग प्राप्त होता है, समाज का सहयोग, एक तरह से आपके पद की, आपके प्रतिष्ठा की, आपकी मान की, सम्मान की, इसमें जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। और दूसरी बात होती है कि आपके वर्किंग क्षेत्र में या जिस भी कारण से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, समाज में आप प्रतिष्ठित हो रहे हैं, लेकिन ऐसे जातक के अंदर में अहं की भावना बिल्कुल नहीं होती है। मतलब आत्मसंयम बहुत अधिक होता है, ये बहुत अधिक उच्च स्थिति को भी प्राप्त कर लेंगे, चाहे किसी भी अर्थ में हो, धन हो, संपत्ति हो, प्रतिष्ठा हो, तो इनके अंदर में घमंड नहीं होता है। स्वाभिमान अवश्य होता है लेकिन अभिमान नहीं होता, तो ये एक अति शुभ चिन्ह माना जाता है। आपकी हथेली में यदि वर्ग का चिन्ह बनता है तो ये अति शुभ माना जाता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, बात करेंगे। धन्यवाद।